मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। वाराणसी में सोमवार को देव दीपावली बेहद भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की गई है। पूरे शहर को शानदार लाइटों से सजाया गया है। चारों तरफ इमारतें जगमग रोशनी से नहा उठी हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आज काशी का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा। आखिर देव दीपावली क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं की दीपावली होती है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व को मनाने के लिए देवता स्वर्ग से काशी के पावन गंगा घाटों पर अदृश्य रूप में अवतरित होते हैं और महाआरती में शामिल श्रद्धालुओं के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह पर्व काशी की प्राचीन संस्कृति का खास अंग है। देव दीपावली का वर्णन शिव पुराण में मिलता है कि जब कार्तिक मास में त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर अत्याचार शुरू किया और उनको मारने लगा, तब भगवान शिव ने इस क्रूर राक्षस का वध इसी दिन किया था और देवताओं ने दीपावली मनाई थी। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि काशी नरेश ने अपने शहीद सैनिकों के लिए घाटों पर दीप प्रज्वलन की प्रथा शुरू की थी। घाटों पर गंगा की महाआरती में लोग मानो आस्था के समुद्र में गोते लगाते हैं। पंचगंगा घाट से शुरू हुई देव दीपावली का दीप आज काशी के सभी घाटों पर जगमगाने लगी है। कार्तिक मास के इस दिन दीप दान करने से पूर्वजों को तो मुक्ति मिलती है और साथ में ही दीप दान करने वाले श्रद्धालुओं को भी मोक्ष का मार्ग मिलता है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की आराधना का माना जाता है, लेकिन भगवान शिव को विष्णु और माँ गंगा अति प्रिय है। काशी शिव की नगरी कहलाती है, इसलिए इस महाआरती के दिन लाखों श्रद्धालु इस अलौकिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं। काशीवासियों के लिए इस पर्व का महत्व और उत्साह दीपावली के किसी मायने में कम नहीं रहता है। आज देव दीपावली के इस पावन मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ नमो घाट पर पहला दीप जलाएंगे। सीएम शाम 4 बजे नमो घाट जाएंगे। वहीं पर 70 देश के राजदूत और विदेशी प्रतिनिधियों का भी स्वागत करेंगे। इसके बाद मोटर बोट के जरिए चेत सिंह घाट पर लेजर शो देखने के बाद वापसी में काशी विश्वनाथ धाम में पहली बार चलने वाले प्रोजेक्शन शो को निहारेंगे। आज 12 लाख दीपों से काशी जगमग होगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जीवीएन 24।